का दोस्तों मछली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने रेसिपी में बनाएंगे लौकी का रायता। चलिए हम चलते हैं अपने रसोई में। रसोई में मैंने आधा किलो लौकी लिया हुआ है, इसे मैं काट कर छील लेती हूँ। इसकी जो हम इसको काट लेती हूँ इस तरह से, छीलने के सहारे से मैं इसे छील लेती हूँ। लौकी को हमने छील लिया है तरह से। अब इसे हम रख देते हैं, जो मैंने छिलका छिला हुआ है अब इसे मैं एक तरफ रख देती हूँ, निकाल कर जानवरों को डाल दूंगी खाने के लिए। इसे मैं अच्छे से धो लेती हूँ। साफ हो जाएगा, इसे मैं टुकड़ों में काटूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं काट लेती हूँ, चार टुकड़ों में कर दूंगी। जो बीच वाला भाग है इसमें देखिए बीज है, इसे मैं निकाल देती हूँ। मैंने बीच वाला भाग निकाल दिया है, इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में काटूंगी इस तरह से। इसी तरह मैं सभी टुकड़ों को छोटे छोटे काट लूँगी। मैंने सभी टुकड़ों को काट लिया है दोस्तों। लौकी हमें खाने में बहुत ही सेहतमंद होता है, और गर्मी में इसका रायता तो और ही सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जो भोजन हमारा बहुत अच्छा पचाता है, इसलिए हम लौकी को खाना बहुत पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने काट लिया है, अब मैं चलूँगी चूल्हे पर। आग जलाती हूँ दोस्तों, हम चूल्हे में आग जलाते हैं। आग हमारा धर लिया है चूल्हे में। अब मैं इस पर रख देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम दो चम्मच जीरा डाल देते हैं, इसे भूनेंगे जीरे को। जीरा हमारा हो गया है, पक गया है, खेल चटक गया है, मैं इसे निकाल देती हूँ। निकाल कर रख देती हूँ, इसे मैं सिलबट्टे पीसूँगी। इसमें मैंने काटा हुआ जो लौकी है इसमें मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ उबलने के लिए। इसे मैं खारी से ढक देती हूँ। हमारा लौकी पक रहा है, जब तक तब तक मैं ये जीरे को जो भुना हुआ था मैं इसे पीस लेती हूँ सिलबट्टे पर। ये हमारा पिसा गया है, इसे मैं प्लेट में उठाकर रख लेती हूँ। लौकी को देख लेती हूँ, चला देती हूँ, उसे नहीं पका हुआ है, मैं इसे ढक देती हूँ। लौकी को देख लेती हूँ एक बार थाली उठाकर। फिर हमार लौकी जो है पक चुकी है, पानी भी सूख गया है। अब हम इसे उतार देते हैं, चूल्हे पर से डाल देते हैं। जब तक ठंडा होगा इसे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। मैं जो है दही लिया हुआ है उसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसमें ये हमारा दही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत गाढ़ा है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए बहुत अच्छा है। अब इसमें हम सामग्री डालेंगे, आधा चम्मच है लाल मिर्च पाउडर है इसे डालेंगे। जीरा पाउडर है दो चम्मच लिया था मैंने, जो भुना हुआ था उसे पीसा है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। काला नमक डालेंगे वो भी स्वाद अनुसार। फिर मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया है, इसे मार देती हूँ। देखिए देखते हैं लौकी मार ठंडा हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा गर्म है,
कंछुल के सहारे से हम इसे मसल देते हैं। हमने लौकी को कंछुल के सहारे मसल लिया है, इसे मैं लौकी को इसमें दही में मिला देती हूँ। लौकी को हमने दही में अच्छे से मिला दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है इस तरह से मिला कर रख दिया है। चलिए हम तड़का तैयार करते हैं। काटा हुआ है जीरा है, हरी मिर्च है लिया है, फिर लहसुन तलिया है, मैं इसे कूट लेती हूँ, इसे कूट कर डालूँगी तड़के में। लहसुन को कूट कर डालेंगे जो अच्छे से इसमें मिल जाए, नहीं तो कट कर डालेंगे तो खड़ा खड़ा रहेगा। इस तरह से मैं इसे रख लेती हूँ। हरी मिर्च हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरे को हम तड़कने देते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन और मिर्ची का जो कटा हुआ था, हमारा जो है लहसुन और मिर्चा जो है पूरा कलर जो है चेंज हो गया है, पूरा कलर हो गया है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च है आधी चम्मच, थोड़ी सी चौथाई हल्दी, थोड़ा सा हींग डालेंगे हम, अच्छे से मिला देते हैं। अच्छे से मिला दिया है, इसमें डाल देते हैं कटी हुई धनिया हरी, हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम कढ़ाई को चूल्हे से उतारेंगे। हमने चूल्हे कढ़ाई को उतार दिया है नीचे, अब इसमें जो है अपना ये जो रायता बनाया हुआ था इसमें डाल दे तड़का देते हैं। फिर से अच्छे से मिला लिया है, इसे बहुत ही अच्छा दिख रहा है रायता हमारा। इसे मैं कटोरी में निकाल देती हूँ, रायता हमारा बहुत अच्छा बना है। दोस्तों हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।